चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, सवाई माधोपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 3 गिरदावर 5 पटवारी के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में 3-3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। बड़ी खबर, रेंजर दीपक शर्मा ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। चौथ का बरवाड़ा के तत्कालीन तहसीलदार कमल पचौरी, इनके अलावा बिंजारी भगवतगढ़ में 21 फरवरी को वन संपदा को नष्ट करने का मामला है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ के। निर्मल जी, सवाई माधोपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं, क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी के खिलाफ मुकदमे हैं, ये क्या है पूरा मामला? निश्चित तौर पर देखिए जयदीप, बहुत बड़ा मामला इसको इस लिहाज से किया जा सकता है क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसके साथ गिरदावर और 5 पटवारियों के खिलाफ 3-3 मुकदमे दर्ज होना वन अधिनियम की धारा, विभिन्न धाराओं के तहत, निश्चित तौर पर आज तक कभी भी राजस्थान में इस तरह की कार्रवाई वन विभाग ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ की नहीं है। जी। मामला है चौथ का बरवाड़ा का, जहां 20 फरवरी को पहले जो यहाँ के जो रेंजर लगे हुए थे, जो सवाईमाधोपुर रेंज के दीपक शर्मा, उनका तबादला हो गया था। तबादला होने के अगले ही दिन 21 फरवरी को तत्कालीन जो तहसीलदार थे चौथ का बरवाड़ा के, कमल पचौरी, और उनके साथ जो दूसरे नायब तहसीलदार और जो गिरदावर थे, और खासकर सुरेश जैन जो नायब तहसीलदार थे चौथ का बरवाड़ा के, और 3 गिरदावर और 5 पटवारी, इन ये सब मौके पर पहुंचे। और वहां पर जो बिंजारी भगवतगढ़ एक जो क्षेत्र है उससे चौथ का बरवाड़ा रेंज के अंदर जो आता है, वहां पर इन्होंने करीब जेसीबी मशीन अपने साथ देखे और वन संपदा को नष्ट किया, और इसमें करीब 2 लाख रुपए की वन संपदा को नष्ट किया गया। हाँ। इसके कुछ दिन बाद ही दीपक शर्मा को दोबारा विभाग ने वहीं पर लगा दिया, और दीपक शर्मा ने 18 मार्च को सवाईमाधोपुर पहुंचकर उनको जांच दे दी गई। जांच में उन्होंने पाया कि तमाम जो तहसीलदार, उप तहसीलदार और तमाम जो गिरदावर पटवारी थे उनकी गलती थी, उन्होंने निश्चित तौर पर गलत काम किया और नियमों के विरुद्ध जाकर के किया, कानून के विरुद्ध जाकर किया। तो उन्होंने जांच में जब इन सबको दोषी पाया तो इन आज पहली बार ऐसा हुआ कि 28 मार्च, मतलब आज उन्होंने कमल पचौरी तत्कालीन तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा जो थे, 1 नायब तहसीलदार, 3 गिरदावर, 5 पटवारी के खिलाफ इन्होंने जो अधिनियम 1953 की धारा 26 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए। ये अपने आप में एक अनूठा मामला है कि वन विभाग ने एक इस तरह से कड़ी कार्रवाई की है राजस्व अधिकारियों के खिलाफ। और इसमें एक चीज और साफ साबित होती है जयती, कि राजस्व अधिकारी किस तरह से उस बात का उन्होंने फायदा उठाया कि रेंज से यहाँ का रेंजर बदल गया है और अभी यहाँ पर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो वो कानून के विरुद्ध जाकर के उन्होंने इस तरह की वन संपदा को नष्ट करने की कार्रवाई की। और निश्चित तौर पर वन अधिनियम 1953 की बात करें, वन संरक्षण अधिनियम 1980, दोनों की ही बड़ी सख्त धारा है। अगर ये जांच आगे भी, अगर वन अधिनियम के तहत अगर इस पुष्ट होती है जांच, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तहसीलदार और जो बाकी के जो नायब तहसीलदार, गिरदावर और जो पटवारी थे उनके खिलाफ राज्य सरकार भी कठोर कार्रवाई कर सकती है। तो कहा जा सकता है कि एक अच्छी नजीर पेश की वन विभाग ने, और ये बता दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और वन और वन संरक्षण तो खासकर राजस्थान के अंदर उसको लेकर को सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जय जी। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।